hello students how are you i hope you all are fine and doing well in last video i have discussed the regulation in gene expression in both eukaryotes and prokaryotes now in this video i am going to discuss the next topic that is human genome project so let us start the class prince human genome project what is this human genome project एक्जैक्टली दिस प्रोजेक्ट इन्वोल्व्स द सिकवेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम और इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्वस द सीक्वेंसिंग ऑफ द बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द डी एन एफ ह्यूमन्स ह्यूमन्स की जो डी एन ए है उसमें जो भी जैसे जिस सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेस पेयर्स अरेंज हैं उस सीक्वेंस की स्टडी उस सीक्वेंस को इन्वेंट करना जानना उसकी स्टडी करना ये इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एग्जैक्टली मेन एम था ना व्हेन इट स्टार्टेड इट स्टार्टेड इन 1990, इन यूएस, एस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूएस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ ऑफ यूएस, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है दे कोऑर्डिनेटली ये दोनों जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस जो है कोऑर्डिनेशन में दे स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट फॉर सिक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम एंड दे कॉल्ड दिस प्रोजेक्ट एज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओके इन शॉर्ट वी कैन कॉल दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज एच जी पी ओके दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टू थर्टीन ईयर्स टू गेट कम्प्लीटेड तेरह साल तक इस ह्यूमन जीनोम की जो है इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया उसके बाद लास्टली जो है ये ह्यूमन का जो जीनोम है उसकी सिक्वेंसिंग की जा सके तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर 1990 एंड दिस

नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इट इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट मेगा मीन्स लार्ज बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इसके बहुत से रीजंस है सबसे पहला रीजन तो ये दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट वेरी मच मीन्स इट यूज कॉस्ट इस प्रोजेक्ट में अराउंड नाइन बिलियन यूएस डॉलर खर्च हुए हैं तो यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें नाइन बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च हुए सो यूज कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट वॉज नाइन बिलियन यूएस डॉलर दूसरा रीजन ये था कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड सिक्वेंस्ड बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर्स थे ह्यूमन्स में थ्री इंटू टेन पॉइंट नाइन बेस पेयर्स होते हैं कंप्लीट सारे जो क्रोमोजोम्स के डीएनए को अगर मिलाया जाए तो तो इमेजिन इतने लंबे इतने ज्यादा नंबर में जो बेस पेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और सिक्वेंस करना ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा दिस वॉज ऑल्सो रीजन दैट्स वाई ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट इसके अलावा और भी रीजन है जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट टेक्नीशियंस एंड सपोर्टिंग स्टाफ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट टेक्नीशियंस और सपोर्टिंग स्टाफ जो थे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मीन्स आप हर जगह देख रहे हैं ह्यूज कॉस्ट लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड एंड सिक्वेंसड लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस एंड सपोर्टिंग स्टाफ वेयर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट सब जगह आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है और साथ ही साथ जो डेटा जो जनरेट हुआ द डेटा जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इसमें लास्टली जो भी डेटा मिला इस डीएनए सीक्वेंसिंग में ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसिंग के बाद उसकी स्टोरेज के लिए अगर हम बात करें बुक्स के फॉर्म में देन द स्टोरेज ऑफ डेटा जनरेटेड विद दिस एचजीपी विल रिक्वायर अबाउट थ्री थाउजेंड बुक्स तीन हजार बुक्स जो होंगे इन तीन हजार बुक्स में साथ ही साथ हर एक बुक में हजार पेजेस होंगे और उन हजार पेजेस में हर एक पेज में थाउजेंड लेटर्स मीन्स थ्री थाउजेंड बुक्स में हर एक बुक में वन थाउजेंड पेजेस एंड वन थाउजेंड पेजेस में हर एक पेज में वन थाउजेंड लेटर्स मीन्स कितना अगर हम बुक में इस डेटा को स्टोर करना चाहें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो भी डीएनए की जो भी बेस पेयर की सीक्वेंसिंग हमें मिले तो उसमें कितनी ज्यादा बुक्स की कितनी ज्यादा बुक्स की जरूरत पड़ रही है और तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट बहुत बहुत ज्यादा कॉस्ट बहुत सारे बेस पेयर की सिक्वेंसिंग बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत ज्यादा स्टोरेज के लिए बुक्स ओके अब एक और बड़ी चीज ये है कि ड्यू टू ड्यूरिंग दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा था इस दौरान एक और साइंस जो है उसमें बहुत सी डेवलपमेंट हुई एंड दैट साइंस इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स एग्जैक्टली इट इज अ न्यू फील्ड इन विच कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड एंड यूज टू कलेक्ट स्टोर एनालाइज एंड एक्सपेंड बायोलॉजिकल डेटाज इमेज एंड अदर इंफॉर्मेशन अब जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट से जो भी डेटाज आए जितने भी बेस पेयर्स की जो सीक्वेंसिंग उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन सारों को सारी जो इन्फॉर्मेशन जो भी डेटाज हैं उन डेटा को अगर बुक्स में स्टोर करना चाहें तो तीन हजार बुक और हर बुक में वन थाउजेंड पेज और वन थाउजेंड पेजेस हर एक पेज में वन थाउजेंड लेटर्स मीन्स बुक में स्टोर करना इसे बहुत मुश्किल हो रहा था इस वजह से इसकी इन डेटास की स्टोरेज के लिए एक नया जो सा, साइंस है बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसकी डेवलपमेंट हुई और बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये करता ही ये था कि इट इज अ फील्ड इन विच कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज थे कंप्यूटर के दे देवेर डेवलप्ड

ह्यूमन जीनोम तो हर एम तक एक फाइनल एम तक पहुंचने के लिए छोटे गोल्स होते हैं जैसे कि आपको आपको अगर आपके एग्जाम में टॉप करना है तो उस उस टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं मीन्स आज के दिन में इतना पढ़ना इसके बाद उसका रिवीजन नेक्स्ट डे और फिर से उसके आगे पढ़ना तो छोटे छोटे आप गोल्स बनाते हैं वैसे ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन एम था इट वॉज सिक्वेंसिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम उसके डीएनए के सिक्वेंसिस को स्टडी करना इन्वेंट करना बट उस तक पहुंचने के लिए कुछ बीच बीच में छोटे छोटे जो है गोल्स बनाए गए द फर्स्ट गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी टू थर्टी थाउजेंड जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डे सबसे पहला तो कि जो पच्चीस से तीस हजार जो जीन्स प्रेजेंट थे ह्यूमन्स में उनको आइडेंटिफाई करना उसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला गोल तो ये था जब इस गोल को उन्होंने साइंटिस्ट इस गोल को उन्होंने अचीव कर लिया जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद उन्होंने क्या किया दूसरा गोल बनाया टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ थ्री बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक्स अप ह्यूमन डी अब ये जो जीन्स हैं जीन्स तो आइडेंटिफाई हो गए थ्री थर्टी थाउजेंड ऑलमोस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली जो जीन्स हैं वो आइडेंटिफाई हो गए अब इसके बाद उन जीन्स में जो बेस पेयर सीक्वेंसेस थे तो उन सारे थर्टी थाउजेंड जींस में थ्री बिलियन बेस पेयर्स थे उन सारे थ्री बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग के सीक्वेंस में उन सारे जीन्स में बेस पेयर प्रेजेंट है उसकी सीक्वेंसिंग की गई उसे स्टडी किया गया उसके बाद जब ये सीक्वेंसिंग ये सेकेंड गोल कंप्लीट हुआ मीन्स पहले क्या किया सारे जीन्स को आइडेंटिफाई किया फिर उन जीन्स में जो बेस पेयर्स थे उसकी सीक्वेंसिंग की किस सीक्वेंस में बेस पेयर प्रेजेंट है उस जीन में वो देखा फिर जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ डेटा बेसिस डेटा बेसिस के फॉर्म में पहले फिर इन जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर के जो गोल्स अचीव करके मिली उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना ओके okay? अब साथ ही साथ ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उसके लिए जो भी टूल्स चाहिए इस इन्फार्मेशन को स्टोर करने के लिए मीन्स जितने जीन्स हैं उनके बेस पेयर्स की सीक्वेंसेस जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी स्टोरेज के लिए और उसकी एनालिसिस उस डेटा एनालिसिस के लिए जो भी टूल्स चाहिए फिर उसकी इम्प्रूवमेंट क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था जो टूल्स जो थे जो इनके इन प्रोजेक्ट में यूज़ किए जा रहे थे इनके इंफॉर्मेशन जो जो भी इस प्रोजेक्ट से इंफॉर्मेशन मिल रहे थे जो भी डेटाज मिल रहे थे उनकी एनालिसिस के लिए उनकी स्टोरीज के लिए तो वो टूल्स भी धीरे धीरे उन्हें इम्प्रूव करना पड़ रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है डेटा स्टोर हो सके और एनालाइज किया जा सके नेक्स्ट गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज यूज ऑफ ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सच एज इंडस्ट्रीज ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी मीन ट्रांसफर ऑफ द यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अनदर ऑर्गेनिज्म

इन्जर्ट कराकर उसकी अगर क्लोनिंग करा के बहुत सारे इंसुलिन जो है उसे प्रोड्यूस किया जा सके तो बहुत सारे इंसुलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह के ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज कर रही है हार्मोन्स मेडिसन्स या दूसरे प्रोडक्ट्स दूसरे जो यूजफुल प्रोटीन्स हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये भी एक गोल था कि ये जो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें दूसरे सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस कराना दूसरे सेक्टर जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज में इसको इंट्रोड्यूस कराना नेक्स्ट गोल वॉज ई एल एस आई दिस मीन्स टू सॉल्व एनी एथिकल एनी लीगल एंड सोशल ईशूज दैट में अराइज फ्रॉम दी दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स अगर हम ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो बहुत से एथिकल बहुत से लीगल और सोशल ईशूज भी उभर कर आते हैं और इन लीगल एथिकल और सोशल ईशूज को भी जो है सॉल्व करते हुए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो है एम तक बढ़ना ये भी एक गोल था ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट का

देन ड्रॉसफिला फ्रूटफ्लाईज देन प्लांट लाइक्स लाइक राइस एंड एरेबडोपिस तो ये जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स थे उनकी डीएनए की सिक्वेंसिंग करने का रीजन ये था टू अंडरस्टैंड देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज एंड इनकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज थी उसे अंडरस्टैंड करने के बाद टू अप्लाई दीज कैपेबिलिटीज टू सॉल्व चैलेंजेस इन हेल्थ केयर इन एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इन्वायरमेंटल uh, रेमिडेशन्स तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो जो प्रोसेस यूज कर रही थी सीक्वेंसिंग डीएनए सीक्वेंसिंग जो थी ह्यूमंस की वो उन प्रोसेस को जो मॉडल ऑर्गेनिजम्स थे उनके डीएनए की सीक्वेंसिंग में भी यूज कर रही थी जिससे साथ ही साथ ये हो रहा था कि ये जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी कैपेबिलिटीज जो है उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज को समझ कर इनकी उस कैपेबिलिटी को जो हेल्थ केयर है मींस जो भी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट में या एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट में इन्वायरमेंट में जो भी रेमिडेशन कर सकते हैं यानी पॉल्यूशन कंट्रोल में तो यहाँ पर इन नॉन जो नॉन ह्यूमन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए को स्टडी करके भी इनकी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ किया जा रहा था तो ये सारे गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के और इनको पार करते करते और साथ लेकर ही जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो एम था मीन्स ह्यूमन्स के जीनोम की सिक्वेंसिंग वो पूरी की गई नेक्स्ट इज मेथडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो क्या मेथड्स यूज किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए द फर्स्ट दो अप्रोचेस थे सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए जो ह्यूमन की डीएनए थी इसकी सिक्वेंसेज को जानने के लिए दो अप्रोचेस थे दो मेथड्स यूज किए गए द फर्स्ट वन वॉज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स एंड द सेकेंड वन वॉज सीक्वेंस एनोटेशन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स का मतलब जैसे हम शॉर्ट में इटीएस कह रहे थे इट आइडेंटिफाई ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आर एन ए एंड सीक्वेंस डीज आर एन ए मींस कि ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे इस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स में किया क्या कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो ये डीएनए है राइट ये डीएनए है ओके और डीएनए से जो डीएनए से बनते हैं आरएनए तो बहुत सारे जो हैं क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम में जो भी डीएनए थे उनसे कुछ न कुछ आरएनए बन रहे हैं राइट अब ये जो डीएनए है इससे आरएनए बना अब आरएनए जो बना आर एन ए जो बना मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शनल आर एन ए जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बन रहा था वो नहीं जो फंक्शनल आर एन ए है सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जोन्स ही है मीन्स सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेज है तो इन जो भी ये जो उन्होंने क्या किया ये पहले उन्होंने ये स्टडी किया कि ये जो आर एन ए है वो कौन सी जीन्स से बने हैं राइट right? ये जो आरएनए है वो डीएनए की कौन सी जीन्स से बने हैं मीन्स डीएनए में अब जो यूकैरियोट्स से ह्यूमंस जो है ये यूकेरियोट्स है और ह्यूमंस के जो भी जीन्स है यू नो दे आर मोनोसिस्ट्रोनिक राइट और मोनोसिस्ट्रोनिक जो जीन्स है उनमें जो है एक्ज़ोन और इंट्रॉन दोनों होते हैं मींस ये अगर एग्जॉन है तो ये इंट्रॉन है ये एग्जॉन है ये इंट्रॉन है मींस ये जो एग्जॉन है जो कोडिंग सीक्वेंस है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस से इंटरप्टेड रहते हैं तो जो आर एन आरएनए आर एन बना होगा वो किसका बना होगा इन एक्जोन्स का ही बना होगा राइट right? क्योंकि जो मेच्योर आर एन उसमें इंट्रॉन्स वाले सीक्वेंसेस के जो भी जो भी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं उसे हम जो है वो आर प्रोसेसिंग में वो निकाल दिए जाते हैं तो इस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में उन्होंने ये स्टडी करी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान कि ये जो आरएनए बने हैं जितने भी फंक्शनल आर बने हैं वो कौन सी जीन्स से बने हैं डीएनए के कौन से जीन्स से बने हैं और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो है आरएनए की जो है उन्होंने जो बेस पेयर्स की सीक्वेंस है वो निकाली जिससे इन बेस पेयर्स ध्यान देना कि उन्होंने पहले ये देखा कि ये जो फंक्शनल आर एन है कौन सी जीन्स से बने राइट right? और उसके बाद उन्होंने इस आर के सारे बेस पेस जो थे जो भी बेसिस थे उनकी सीक्वेंसेस की जैसे अगर ए यू जी सी यू ए सी जी जी जो भी ये सीक्वेंस थी उनकी सीक्वेंसिंग की जिससे उन्होंने इस डीएनए की सीक्वेंस को जो है जो इस जो इस डीएनए में जो सीक्वेंसिंग थी जो नाइट्रोजनस बेसिस की उसे स्टडी करने की कोशिश की तो पहले उन्होंने आरएनए को देखा आरएनए किन जीन से बना वो और फिर उन्होंने आरएनए की सीक्वेंसिंग की जिससे वो डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी करना चाह रहे थे नेक्स्ट उन्होंने एक और टेक्निक यूज की सीक्वेंस एनोटेशन सीक्वेंस एनोटेशन मींस दी इसमें उन्होंने क्या किया दे फर्स्ट स्टडीड और सीक्वेंस्ड ऑल होल जीनोम उन्होंने कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन इन सारे रीजन्स को मीन्स ये पूरा का पूरा जो डीएनए है और जितने भी डीएनए थे जो उस पर जो जीन्स थे उसमें जो भी कोडिंग नॉन कोडिंग जो भी सिक्वेंसेस थे एक्जोन हो इंट्रॉन हो इन सारे को सबसे पहले सीक्वेंस कर लिया इनकी सीक्वेंस निकाली मीन्स इन ये सारे एक्जॉन इंट्रॉन इन सब में सारे नॉन कोडिंग डी नॉन कोडिंग और कोडिंग जो भी रीजन्स थे उनमें बेस बेसपेस की क्या सीक्वेंस थी वो पहले जो है वो स्टडी कर ली और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन सारे सीक्वेंसेस में कौन से सीक्वेंस का क्या फंक्शन था वो असाइन किया मीन्स डिफरेंट रीजन्स थे ऑब्वियसली बातें अलग अलग जो है जीन्स हैं तो अलग अलग प्रोटीन्स बना रहे होते हैं तो पहले सारी सीक्वेंसिंग कर लिया और उसके बाद उन्होंने ये स्टडी किया कि कौन से रीजन का क्या फंक्शन था तो दो तरीके से जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई पहले पहला तो ये था कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग यानी जिसमें पहले आर की सीक्वेंसिंग की गई और उसके बाद डीएनए की उससे मैच करके सीक्वेंस निकालने की कोशिश की गई और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन मीन्स पूरे के पूरे जीनोम पूरे के पूरे के पूरे डीएनए का ही पहले सीक्वेंसिंग कर लिया जिसमें बोथ कोडिंग और नॉन कोडिंग जो रीजन थे उनकी सीक्वेंसिंग कर ली उनमें क्या बेस पेयर थे और उसके बाद ये डिसाइड किया ये स्टडी किया कि कौन सी रीजन का क्या फंक्शन हाँ okay. ओके तो अब आगे हम देखें कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके स्टेप्स क्या हैं एग्जैक्टली exactly, उसके स्टेप्स क्या हैं तो स्टेप्स इन सीक्वेंसिंग दी और सीक्वेंस एनोटेशन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब जो स्टडी है डीएनए के सीक्वेंस की तो उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व किए किस तरह से पहला दूसरा तीसरा स्टेप हुआ तो पहला स्टेप तो यही था कि जो डीएनए है उसे जो ह्यूमन सेल्स से उसमें से आइसोलेट किया गया और आइसोलेट जैसे कि ये अगर डीएनए है सारे ये डीएनए है तो उसे आइसोलेट किया और उसके बाद इसे ब्रेकडाउन किया गया फ्रेगमेंट्स में ऐसे छोटे 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 रैंडमली कहीं से कोई Uh, कोई साइज या कोई भी साइट डिसाइडेड नहीं था रैंडमली जो है ह्यूमन जो डीएनए है जो जीनोम से उसको ब्रेक डाउन किया गया ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये जो फ्रेगमेंट्स थे उन्हें वेक्टर्स में इंक्लूड किया वेक्टर्स वो जो किसी चीज़ को कैरी कर रहे हो जैसे कि डिजीज में आपने पढ़ा होगा कि पैथोजेंस होते हैं तो पैथोजेंस को कुछ वेक्टर्स कैरी करते हैं अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक राइट right? जैसे प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम को जो कि पैथोजन है मलेरिया का मलेरिया कॉज करने वाला उसे एक मॉस्क्यूटो जो है वो लेकर पहुंचता है एक जो भी मलेरिया से जो भी मलेरिया जिस भी ह्यूमन बीइंग को हुआ है उस इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड या फिर हेल्दी पर्सन तक तो ये जो वैक्टर है वैक्टर आर एग्जैक्टली सेम तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन फ्रेगमेंट्स को फिर क्या किया कि जो बैक्टीरिया या फिर ईस्ट के क्रोमोजोम्स थे उनसे उनका वेक्टर बनाया गया था मीन्स सपोज ये बैक्टीरिया है एंड दिस वन इज़ ईस्ट ओके ये बैक्टीरिया एंड दिस वन इज ईस्ट तो इनके क्रोमोजोम्स को निकाल कर जो है बाहर निकाला राइट सपोज ये बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है और ये ईस्ट का क्रोमोजोम तो या तो बैक्टीरिया का क्रोमोजोम ले राइट right? या तो हम तो बैक्टेरिया का क्रोमोजोम ले या फिर ईस्ट का दोनों में से किसी एक को चूज़ करके उससे बनाया गया एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स ठीक है बैक्टीरिया का एक क्रोमोजोम बनाया गया और उसके बाद ये जो भी फ्रेगमेंट्स थे सपोज हमने लिया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स तो बहुत सारे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स लिए एक मीडियम में और उसके बाद ये जो भी फ्रेगमेंट्स थे इन बैक्टेरिया के बीच में अब ये जैसे इसे कट करके ओपन किया अब सपोज ये कट किया और ये ओपन हो गया राइट ये ओपन हो गया तो हर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोजोम्स थे बैक्टीरिया के क्रोमोजोम्स उसमें ये ह्यूमंस के जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे उसमें इंसर्ट कराए सपोज इस तरह से ये कुछ अलग दिखेगा इसे भी कट किया इसमें भी ये मान लो ये वाला ये वाला जो ह्यूमंस का जो जीनोम का या डीएनए का जो फ्रेगमेंट था वो इंसर्ट कराया फिर इसे भी वैसे ही तो हर एक जो जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स थे उसमें ये जो डीएनए एन ए फ्रेगमेंट्स वो इंसर्ट कराया गया अब ये सारे जो भी कॉम्बिनेशंस बने हैं बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स में ये जो सारे ह्यूमन जीनोम्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स इंसर्टेड हैं अब इन सब को क्या किया, जो है एक पर्टिकुलर होस्ट जो स्पेसिफिक सुटेबल होस्ट होता है उसमें एंटर कराया गया अब क्योंकि हमने यहाँ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम लिया है तो ऑब्वियस बात है हम इसे किस में इंजर्ट कराएंगे बैक्टीरियाज में तो अगर ये बैक्टेरिया ये सारे जो है बैक्टीरियाज हैं हर एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एटलीस्ट एक ह्यूमन फ्रेगमेंट डीएनए फ्रेगमेंट कैरी कर रहा है और उन सब को हमने क्या किया जो है बैक्टीरियाज में इंजर्ट कराया अब क्यों इंजर्ट कराया क्यों भाई क्यों ये जो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को है इंसर्ट कराकर फिर हम उसे होस्ट में डाल रहे हैं बैक्टीरिया में सपोज इकोलाई इकोलाई में एंटर करा रहे हैं ये इसलिए करा रहे हैं कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसकी क्लोनिंग हो सके उसकी बहुत सारी कॉपीज बन सके जिसकी वजह से जब कॉपीज बनती हैं तो उसकी सीक्वेंसिंग जो है उन फ्रेगमेंट्स की उन डीएनए फ्रेगमेंट्स की आसान हो जाती है अब या तो हम ये करें कि जो डीएनए को आइसोलेट करके ब्रेक किया उसे हमने किस में डाल दिया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम इसमें इंसर्ट करा के होस में एंटर कराया और उसकी क्लोनिंग कराई और फिर सीक्वेंस उसकी जो है उसकी जो फ्रेगमेंट्स डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे उसे आइसोलेट करके उसकी सीक्वेंसिंग की या फिर एक और काम कर सकते हैं जो डीएनए आइसोलेट करके ब्रेक डाउन किया उसकी हम बिना बिना किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर कराए हुए भी जो है उसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं बहुत सारी जो है उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं और उसको कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म में इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एंटर नहीं करा रहे और उसकी बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पी ज चेन रिएक्शन ये आपको डिटेल में पढ़ना है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी उसमें राइट रिक्वायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का जो भी रिक्वायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसके हम बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं बिना किसी ऑर्गेनिज्म को यूज किए हुए यहां पर हमने ऑर्गेनिज्म बट पीसीआर में ऑर्गेनिजम्स को यूज नहीं करेंगे ओके okay? अब ये जो भी अगर हम पीस, आदर हम पीसीआर से क्लोनिंग करें या फिर हम किसी होस्ट में एंटर करा के ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट हमने ह्यूमंस के बनाए हैं उससे क्लोनिंग करें जिससे भी कॉपीज बनाए उसके बाद स्टेप होती है उन सी जो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं उनमें क्या बेस पेयर्स है उसकी सीक्वेंस निकालना राइट right? उसकी सीक्वेंस निकालने के बाद जो उन सीक्वेंस की प्रॉपर वे में अरेंजमेंट करना ओके okay? तो अरेंजमेंट जो करेंगे वो कैसे करेंगे अरेंजमेंट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि अब जैसे ये एक डीएनए फ्रेगमेंट है राइट right? इसमें बेस पेयर क्या है ए टी जी सी सी जी जी सी टी एंड अगेन ए टी राइट ये फ्रेगमेंट है दूसरा फ्रेगमेंट ऐसा है जो स्टार्ट होता है टी ए ए टी सी सी जी 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 सी जी सी राइट तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों फ्रेगमेंट्स में ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है इससे ही हमें पता चलेगा कि वो सीक्वेंस कहाँ होगा तो ये जो एरिया है और ये जो बेस पेयर्स हैं ये दोनों क्या है ओवरलैपिंग है यानी ये कि जो हमारे पास बहुत सारी कॉपीज आई हैं उसके ब्रेकडाउन के दौरान तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये एक ही सीक्वेंस है राइट तो ये जो है पूरा कैसे डीएनए का अरेंजमेंट होगा ए टी जी इसका हम अगर सीक्वेंस करें तो ए टी जी सी सी जी देन गुआन पेरिंग साइटोसिन ये टी ए ए टी अब ये जो है ये यहीं पर है राइट ये वाली सीक्वेंस यहाँ है तो अब हम इसके आगे ये लिखेंगे सी जी सी जी जी सी एन जी सी मीन्स ये अब पूरी की पूरी सीक्वेंसिंग ये एक डीएनए की कुछ दो फ्रेगमेंट्स एक साथ अरेंज कर गए यानी हमने कुछ पोर्शन जो है डीएनए का उसका पेयर का सीक्वेंस लिया। वैसे ही हम आगे दूसरे फ्रेगमेंट देखेंगे हो सकता है कि उनकी ओवरलैपिंग एरिया ये हो तो इसके आगे हम अटैच करेंगे और ये भी हो सकता है कि उस डीएनए जो नया फ्रेग दूसरा फ्रेगमेंट होगा उसकी ओवरलैपिंग एरिया ये हो तो हम उस फ्रेगमेंट को इसके पहले लिखेंगे मीन्स इस तरह से हम लोग जो है सीक्वेंसेस को अरेंज करते जाएंगे बेस पेयर्स के और एक सारे के सारे जो भी हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस हमें थर्टी थाउजेंड जीन्स में जो भी बेस पेयर्स की सीक्वेंसेस है वो ह्यूमंस में पता चल सकती है ओके okay? नाउ इसके साथ ही साथ इस सारे जो है सीक्वेंसेस को अरेंज करके इनकी जो पूरी की पूरी अलाइनमेंट है वो उन्हें स्टोर तरीके से उन डेटाज को कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में सही सीक्वेंस में स्टोर करना इसके बाद ये सारे जो है सीक्वेंसेस को कंप्यूटर में सही तरीके से कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स में सही सी अलाइनमेंट में सही तरीके से जो है उसे स्टोर करना राइट और लास्टली जो है ये देखना कि ये जो हमने जो भी सीक्वेंसिंग की है जो भी डीएनए की सीक्वेंसिंग की है कौन सा पोर्शन डीएनए का जो है वो किस क्रोमोजोम में प्रेजेंट है राइट right? अभी तक हमने जो ये कहा कि थ्री इंटू टेन नाइन बेस पेयर्स लंबे डीएनए होते हैं बट वो हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने जो है फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट सारे डीएनए को एक साथ जोड़ दें तो इतने सारे बेस पेयर्स होते हैं बट एज वी नो कि हर एक क्रोमोजोम में जो हमारे पास पेयर्स में जो क्रोमोजोम प्रेजेंट है हर एक क्रोमोजोम में डीएनए है राइट एक क्रोमोजोम में डीएनए है और उसमें बेस पेयर्स है तो अब ये जब हम सीक्वेंसेस निकाल देते हैं तो लास्टली अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो लास्ट स्टेप है वो ये होता है कि सारी सीक्वेंसिंग तो हमें पता चल गई जो थ्री इंटू टेन पर नाइन बेस पेयर है वो किस तरह से कौन सबसे पहला बेस पेयर कौन है और सबसे लास्ट वाला बेस पेयर ये लाइन से हमें सीक्वेंस तो पता चल गई पर ये भी हमें उसके बाद लास्टली ह्यूमन जीवन प्रोजेक्ट में ये जाना गया ये भी सीक्वेंस किया गया कि कौन सा डीएनए जो है वो किस क्रोमोजोम में प्रेजेंट है एज यू नो ह्यूमन जीनोम के पास 22 टू जो है ऑटोजोम्स के होते हैं और एक्स एंड वाई मीन्स वन पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोजोम का होता है राइट तो ये सारे सेगमेंट्स सारे सीक्वेंसेस को निकालने के बाद फिर धीरे धीरे हर एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स में कौन सा डीएनए प्रेजेंट है कौन सा सीक्वेंस उस डीएनए का उस डीएनए में क्या सीक्वेंस है ये भी जो है स्टडी की गई ये भी इन्वेंट किया गया और सबसे लास्ट में जो क्रोमोजोम जिसकी सीक्वेंसिंग हुई कि उसमें क्या बेस पेयर की सीक्वेंस है दैट वाज दी फर्स्ट क्रोमोजोम हमारे पास ट्वेंटी थ्री पेयर्स है राइट ट्वेंटी थ्री पेयर्स हैं जिसमें से जो पहला वाला पेयर है क्रोमोजोम का उसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में की गई इन मे टू थाउजेंड सिक्स ओके सो दिस वॉज द स्टेप इन सीक्वेंसिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस जीनोम का निकालना था उसमें ये सारे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो काम किया गया और लास्टली सारे क्रोमोजोम्स में जितने भी डीएनए थे उनके सारे बेस पेयर्स की सीक्वेंसेस जो है वो लास्टली इन्वेंट की गई स्टडी कर ली गई नाउ दी सैलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत सारे इन्फॉर्मेश निकल के आए तो क्या थे वो इन्फॉर्मेश क्या फीचर्स थे इस ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीनोम के इस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई वो देखें द फर्स्ट वन वॉज दैट ह्यूमन जीनोम कंटेंस अराउंड थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी फोर पॉइंट सेवन मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस इतने न्यूक्लियोटाइड बेसिस ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट है एंड ऑन एवरेज ईच जीन कंटेंस एटलीस्ट थ्री थाउजेंड बेसिस बट ये एवरेज है साइज वेरी करता है साइज वेरीज जीन्स जो जितने भी जीन्स हैं ह्यूमंस में उसकी साइज वेरी करती है इसका मतलब ये कि जो ज्यादा बड़ा जीन है उसमें कुछ ज्यादा जो होंगे जीन्स होंगे जो बेसिस होंगे और जो छोटे जीन्स हैं उनमें कम बेसिस होंगे बट एवरेज जैसे कि हमारे पास दस नंबर होते हैं तो उसमें अगर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर यानी हमने टेन तक किया और उसका एवरेज निकालते हैं बाई टेन राइट तो पूरे जीन्स जो है उनका एक एवरेज निकाला गया कि उसमें जैसे पह एक जीन में मे बी वन थाउजेंड जो है वन थाउजेंड बेसेज हो एक जीन में मे बी ओनली थर्टी बेसेस हो कुछ एक ऐसा जीन हो जिसमें टू पॉइंट फोर मिलियन बेसेस हो तो डिपेंड करता है कि जीन्स की साइज कितनी है उसके अकॉर्डिंगली उसमें बेसेज थे बट हम एवरेज जब निकालते हैं तो हर एक जीन में ऑन एवरेज थ्री थाउजेंड बेसेज थे बट जो इस स्टडी से पता चला लार्जेस्ट जीन जो ह्यूमन बींग्स में थी वो दैट वॉज दी डिस्ट्रोफिन जीन एंड दिस डिस्ट्रोफिन जीन कंटेन्स टू पॉइंट फोर मिलियन बेसिस 2.4 मिलियन बेसिस जो है, मीन्स 3164.7 मिलियन बेस जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस थे उसमें से 2.4 मिलियन बेसिस इस डिस्ट्रोफीन जीन में ही प्रेजेंट थे टोटल जो जीन है ह्यूमन्स में दैट इज थर्टी थाउजेंड जीन्स ओके प्रीवियसली ये बिलीव करते थे कि ह्यूमन बींग्स कंटेंस अराउंड एटी थाउजेंड टू वन लैख फोर्टी थाउजेंड जीन्स बट ऐसा नहीं है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पहले ये चीजें थी पर उसके बाद ये समझ में आया कि नो ह्यूमन कंटेन्स ओनली थर्टी थाउजेंड जीन्स और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99.9 परसेंट जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है हर एक इंडिविजुअल में वो क्या होते हैं सेम होते हैं right? राइट कुछ ही ऐसे बेसिस हैं जो डिफरेंट होते हैं ना वो जो डिफरेंस है ये 99.9 परसेंट जो इसके अलावा जो डिफरेंस है वो ही डिफरेंस जो है वो फर्दर आपको दूसरे टॉपिक में पढ़ना है इन द फिंगर प्रिंटिंग की उसकी ही मदद से जो फिंगर प्रिंटिंग की जाती है वी विल टॉक अबाउट बट हां नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन पॉइंट जो है वो सारे इंडिविजुअल्स में ऑलमोस्ट सेम होते हैं राइट right? अभी तक जितने भी जो है जीन्स डिस्कवर हुए हैं उसमें से 50% परसेंट जीन्स के तो अब भी फंक्शन जो है वो अनोन है राइट right? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये पता चली कि जो एग्जोन्स और इंट्रॉन्स हम पढ़ रहे थे अभी मैंने बताया था एग्जॉन्स जो कि किसी प्रोटीन के लिए कोड करें और इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग होते हैं राइट right? पूरे ह्यूमन जीनोम में जो पूरे ह्यूमन जीनोम में लेस देन टू परसेंट आर दी एग्जॉन्स मीन्स लेस देन टू परसेंट ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन और बाकी सारे के सारे क्या हैं इंट्रॉन्स तो अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो ओनली वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल ह्यूमन जीनोम इज एक्जॉन्स यानी इतने ही हैं जो प्रोटीन कोड करते हैं एंड दे आर सफिशियंट टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन ऑफ आवर बॉडी द नेक्स्ट थिंग वॉट दे गॉट टू नो विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज दैट रिपीटेड सीक्वेंस वेर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम मीन्स की कुछ ऐसे सीक्वेंसेस थे जो हर एक डीएनए में प्रेजेंट थे और बहुत बार जैसे ये एक डीएनए फ्रेगमेंट है वो बार बार उसमें रिपीटेड ए जी टी सी ए जी टी सी ये बहुत बार रिपीटेड होंगी तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से यह भी सम पता चला कि रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो ह्यूमन जिनोम में बहुत सारे हैं okay? ओके बहुत सारे हैं और समटाइम्स दे आर रिपीटेड अराउंड हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स कई बार तो कुछ रिपीटेड सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो किसी डीएनए फ्रेगमेंट्स में वो हजार से अराउंड हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स बार वो रिपीट हुए एक ही सीक्वेंस हजार बार रिपीट हुआ है तो रिपीटेड सीक्वेंस ह्यूमन जिनोम में बहुत सारे हैं ऐसे रिपीटेड सीक्वेंस हैव नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दी एनी टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता है इस रिपीटेड सीक्वेंस का इसे कोई डायरेक्ट फंक्शन तो नहीं है बट दे आर दे आर रिलेटेड टू दे पुट सम लाइट ऑन डायनेमिक्स और क्रोमोजोम स्ट्रक्चर ये क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में की स्टडी में हेल्प करते हैं रिपीटेड सीक्वेंस और साथ ही साथ इवोल्यूशन जो है उसकी स्टडी में भी ये रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं एंड वन मोर थिंग दैट हमारे क्रोमोजोम्स है उसमें जो सबसे ज्यादा जीन्स क्रोमोजोम वन में प्रेजेंट है और सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स क्रोमोजोम वाई में प्रेजेंट है अभी मैंने चीज बताई थी क्रोमोजोम वन जो है सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ था कि उसमें कौन से जीन्स और किस तरह के उसकी जो बेस पेस की सीक्वेंस थी बट ये भी साथ में पता चला कि जो क्रोमोजोम वन है उसमें सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं 2968 जीन्स एंड क्रोमोजोम वाई जो कि सेक्स क्रोमोजोम का एक पार्ट है इन मेल्स, तो ये जो है उसमें सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं टू हंड्रेड थर्टी वन जींस एंड लास्टली वन थिंग जो जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर लाइक दे हैव सिंगल बेस डिफरेंसेस मीन्स वन जो भी ह्यूमन जीनोम था उसमें से जैसे ये एक जीन है ये एक डीएनए ये एक डेन ये एक डेन तो ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ अब जैसे ये पूरा का पूरा सिमिलर है ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो सिमिलर है सिंपल एक न्यूक्लियोटाइड मीन्स सपोज यहाँ पर ए है तो यहाँ पर जी है यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जो है टी है मीन्स ये पूरा डीएनए जो है ये चारों जो है वो पूरे सीक्वेंसेस इनमें सेम है टी ए जी सी सी टी यहां पर भी टी जी सी सी टी टी जी जी सी टी ये इस सारा सिक्वेंसिंग है बट डिफरेंस कहा है सिर्फ इस एक जगह पे एट दिंगल न्यूक्लियो टाइड बेस सिर्फ यहां पर एक जगह तो ऐसे इस तरह के डिफरेंस वाले सिंगल न्यूक्लियो टाइड जहां पर सिर्फ डिफरेंस पाई जा रही है वैसे ह्यूमन जीनोम्स में 1.4 मिलियन लोकेशन थे ऐसे सीक्वेंसिंग में ये पता चला तो ऐसे जो भी जो भी जीन्स गए या वो जो भी डीएनए थे उन्हें कहा गया ये इस इससे कहा गया है सिंगल न्यूक्लियोटाइड राइट तो पोलीमोरफिज्मे जो फेनोमिन था जिसमें 1.4 मिलियन लोकेशंस पाए गए जिसमें सिर्फ एक ही पूरे सिक्वेंसेज में सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड जो है उस पोजीशन में डिफरेंस पाया जाए तो इस फेनोमिन को कह रहे थे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोलिमारफिज्म फॉर एग्जांपल की अब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जीन्स हैं मीन्स एक ये जीन है एक ये जीन है राइट right? फिर दूसरे हमारे पास ये जीन है अब इनके सबकी सीक्वेंसेस तो एक ही है बस इनमें डिफरेंस कहाँ है सिर्फ इनके कैप्स में सपोज की सबकी सीक्वेंस एक है बट इनके डिफरेंस बस इस इनके कैप से मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में हो तो इस तरह की अगर वेरिएशन पाई जाए तो इससे हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स जो मॉर्फोलॉजिकली अलग हो ठीक है और कहा सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे तो so, इसे शॉर्ट में स्निप्स भी कहते हैं और ह्यूमंस में ये बहुत सारे हैं नाउ दिस इंफॉर्मेशन जो भी है ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिवर्फ की इंफॉर्मेशन जो है ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट थी इन फाइंडिंग द्रोमोजोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सिक्वेंसेस मीन्स ह्यूमन्स की अगर हिस्ट्री पेडिग्री जो चार्ट है उसके थ्रू अगर हम स्टडी करें और उसके बाद उन ह्यूमंस की जिसमें ये डिजीज मिली उस फैमिली में और उसके बाद उन सारे ह्यूमंस की जो है डीएनए की सीक्वेंसेस जो है वो निकाली जाए तो उसमें ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमोरफिज्म है ये स्निप्स जो फेनोमेना है ये बहुत हेल्प करती है टू फाइंड एग्जैक्टली दैट लोकेशन ऑन द क्रोमोजोम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज तो ये डिजीज जो है क्रोमोजोमल लोकेशन किसी भी डिजीज से एसोसिएटेड जो क्रोमोजोमल लोकेशन है उसे फाइंड करने में हेल्प कर रही होती है क्या कौन हेल्प कर रही है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोरफिज नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ना सबसे पहली चीज तो है एप्लीकेशन कहाँ है और फिर फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस है वहां पर कैसे इसका यूज किया जाएगा सबसे पहले तो हम डिसऑर्डर्स की बात करें ना मोर देन ये जो डिसऑर्डर्स है मोर देन ट्वेल्व हंड्रेड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन ह्यूमन कार्डियोवेस्कुलर डिजीज इमेजिन जो इंडोक्राइन डिजीजेज होती है जैसे डायबिटीज फिर या फिर कार्डियोवेस्कुलर डिजीजे मीन्स जो हार्ट डिजीजेज होती है और अल्जाइमर जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है राइट right? बस इन तीन डिजीजेस को कॉज करने के लिए कार्डोवेस्क्यूलर डिजीज इंडोक्राइन डिजीज लाइक डायबिटीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक अल्जाइमर्स इन तीन डिजीजेस को ही कॉज करने के लिए 1200 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इसकी वजह से इनकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो है उस वजह से हमें यह पता चल सका कि इन जो भी डिसऑर्डर्स थे उसमें कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है जिसकी वजह से फर्दर इनके ट्रीटमेंट में जो है इनके ट्रीटमेंट में जो इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है इनके ट्रीटमेंट में हेल्प हो सकती है सेकेंड इज कैंसर कैंसर के एरिया में ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने क्या ऐसा किया एफर्ट्स आर इन प्रोग्रेस टू डिटरमाइन दी जीन्स डेट विल चेंज कैंसर टू नॉर्मल अब सिंस हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने ह्यूमन्स के सारे जीन्स की सिक्वेंसिंग हमें पता चल गई है तो अब उन सारे जो भी जो सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम्स की उसकी स्टडी करते हुए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो कैंसर है वो कौन से जीन के डिफेक्ट की वजह से जो से जो है होते हैं जिसकी वजह से जिससे अगर ये पता चल जाए कि कौन से जीन्स हैं जिनके डिफेक्ट से कैंसर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर जीन को कैंसर से नॉर्मल में कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे कैंसर की ट्रीटमेंट हो सके नेक्स्ट इज हेल्थ केयर ना हेल्थ केयर में क्या है इट विल इंडिकेट प्रोस्पेक्ट फॉर अ हेल्थियर लिविंग डिजाइनर ड्रग जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट्स एंड फाइनली आवर जेनेटिक आइडेंटिटी मीन्स आप कह सकते हैं कि जो हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए जो भी ड्रग्स की जरूरत है राइट right? जो भी ड्रग्स की जरूरत है सही ड्रग्स की जो मेडिसन्स होते हैं साथ ही साथ जो भी डाइट्स होती हैं जेनेटिकली उन्हें भी इम्प्रूव किया जा सके कि किस ह्यूमन बींग के जीन्स में जो किस तरह की डिफेक्ट है जिसके वजह से उसे किस तरह की डाइट चाहिए तो ये डिसाइड करने के लिए भी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हेल्पफुल है सो इट इज अ गुड एफर्ट और गुड एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर ऑल्सो नेक्स्ट इज इंटर दिस मीन्स इट विल बी पॉसिबल टू स्टडी हाउ वेरियस जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टूगेदर इन इंटरकनेक्टेड फॉर्म मीन्स कौन सा जीन कौन से प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है और कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही अगर ये पता है कि ये एक जीन इस प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है ये एक जीन दूसरे प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है तो अगर किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस में डिफेक्ट है अगर किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस में जिसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा तो उसके पर्टिकुलर जीन में इम्प्रूवमेंट अगर लाई जा सके तो वो उस प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है नॉर्मल किया जा सकता है तो ये किससे पता चलेगा ये इस इंटरेक्शन से पता चलेगा कि कौन सा जीन कौन से प्रोटीन को सिंथेसाइज़ कर रहा है और ये भी किससे पता चला ये भी पता चल सकता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसकी स्टडी से एंड नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज सिंस ऑल जीन्स और ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन और अ ट्यूमर सेल कैन बी एनालाइज्ड टू नो द दॉ ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन इट सेंस जो भी क्योंकि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा किया हुआ है जीनोम सिक्वेंसिंग की हुई है तो इसकी मदद से जो है हर एक टिश्यू हर एक ऑर्गन या फिर कोई ट्यूमर सेल है उसके जीन्स को एनालाइज किया जा सकता है और ये पता किया जा सकता है कि जो भी उस पर बैड इफ़ेक्ट अगर पड़ रहा है तो उसका एग्जैक्टली exactly कॉज क्या है ओके okay. उसका बेसिक कॉज क्या है किस जीन के डिफेक्ट की वजह से ये कॉज या फिर ये भी जो भी इफेक्ट बैड इफेक्ट हो रहा है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट